द रेमेडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज टेरेंटुला. इसका कॉमन नेम है टेरेंटुला क्यूबन एंड स्पैनिश. ठीक है, एरेनिडी फैमिली को बिलोंग करती है. टेरेंटुला जो रेमेडी है ये ज्यादातर नर्वस पर्सन को दी जाती है. ठीक है, और जिसमें कॉलेरिक अफेक्शन होते हैं. ठीक है, कॉलेरिक अफेक्शन और इनकी बॉडी में क्या होता है, कॉलेरिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अगर हैं, आर्म के लेग के मतलब पैर हाथ अपने आप हिल रहे हैं, ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, तो हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट मूवमेंट, देखिए ये चीजें लिखी हुई है, आप कॉन्स्टेंट मूवमेंट है, पर्सन में इनएबिलिटी है टू डू एनीथिंग. ठीक है, और इसकी मसल्स में बहुत ज्यादा ट्विचिंग और जर्किंग फील होती है. ठीक है, पर्सन जो हो रहा है अब ऑब्वियसली वो हाथ पैर हमेशा हिला रहा है तो काफी ज्यादा रेस्टलेस होगा. ठीक है, कुड नॉट कीप क्वाइट इन एनी पोजिशन, किसी भी पोजीशन में पर्सन अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है. ठीक है, मस्ट कीप इन मोशन, दो वॉकिंग एग्रेवेट्स ऑल सिम्टम्स. ठीक है, इसको हमेशा चलता फिरता रहना पसंद है लेकिन चलने फिरने से की प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, ये हमेशा कोशिश करेगा कि ये खुद को मोशन में रखे. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि टैरेंटुला जो है ये एक टाइप का स्पाइडर है. ठीक है, ये रेमेडी स्पाइडर से बनाई जाती है, ये स्पाइडर की फैमिली है. तो आप ऐसे समझो कि एक स्पाइडर है, ठीक है, वो एक जगह रहता है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी न किसी तरह हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर कई लोग होते हैं कि उसको भगा देते हैं किसी झाड़ू से या किसी भी चीज से उसको हटा देते हैं. तो वो अगर मोशन में खुद को नहीं रखता है, एक जगह रहता है, तो क्या करेगा, स्पाइडर की डेथ हो जाएगी, उसको भगा दिया जाएगा. तो वैसे आप इस रेमेडी को भी समझो कि चलने फिरने से पर्सन को इसमें कंप्लेंट्स तो बढ़ जा रही है नो डाउट, बट आपको याद क्या रखना है कि ये मोशन से पर्सन को हमेशा मोशन में रहने का मन करता है. ठीक है, हाइपर एस्थीसिया मतलब हाइपर सेंसिटिवनेस, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. ठीक है, कोई भी एक्साइटमेंट जो है वो पर्सन को इरिटेट कर देती है बहुत इजिली. ठीक है, और पर्सन जो है छोटी सी बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है. ठीक है, स्लाइट टच अलोंग द स्पाइन प्रोवोक स्पास्मोडिक पेन इन चेस्ट एंड कार्डियक रीजन. ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है दैट इसका स्पाइन रीजन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव दैट अगर थोड़ा सा भी वहां पे पेन हुआ ना, या फिर थोड़ा सा भी टच हुआ, तो उसकी वजह से चेस्ट या फिर कार्डियक रीजन में पेन हो जाता है पर्सन. ठीक है, हेडेक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और ऐसा फील होता है कि सुइयां जो है वो प्रिक कर रही हो ब्रेन को. ठीक है, एब्सेस बॉयल्स फेलन्स इन सब टाइप की स्किन डिजीजेस मिलती हैं जो कि ब्लूइश डिस्कलरेशन देती है, और वहां पे बहुत ज्यादा बर्निंग भी पर्सन को फील होगी. ठीक है, द एग्नी ऑफ अ फेलन कंपेलिंग पेशेंट टू वॉक द फ्लोर फॉर नाइट्स. जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन चाहता है कि ये वॉक ही करता रहे भले ही वॉक करने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही हो. ठीक है, मैलिग्नेंट अल्सर्स कार्बंकल्स एंथ्रेक्स एंड गैंग्रीन. ठीक है, मैलिग्नेंट अल्सर की अगर प्रॉब्लम है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, सिम्टम्स अपियर पीरियोडिकल, इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो पीरियोडिकली अपियर होते हैं, मतलब सर्टेन टाइम पे. ठीक है, हेडेक न्यूराल्जिक होता है, किसी भी तरीके का कोई शोर मचा रहा है, कोई टच कर रहा है पर्सन को, कोई भी लाइट स्ट्रॉन्ग लाइट दिखा रहा है, तो उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. और अगर पर्सन अपना रब करे सर को अगेंस्ट द पिलो तो उसको आराम मिलता है. ठीक है, जब भी मेंसेस आते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, स्पेशली अगर पर्सन लेटा रहता है, सोता रहता है तो. ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है इसके पर्सन में दैट इवन मेनिया लेवल में ये पहुंच जाता है. ठीक है, स्पाज्म ऑफ यूट्रस प्रूराइटिस वल्वा बिकम्स इनटॉलरेबल. ठीक है, तो इसको प्रूराइटिस वल्वा क्या होती है, वल्वर रीजन में जब इचिंग होती है तो हम उसे ये कहते हैं, और यूट्रस के स्पाज्म की वजह से भी कई बार वल्वर रीजन में पर्सन को इचिंग फील होती है. ठीक है, नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ टैरेंटुला दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन, मैंने आपको बताया दैट एग्रेवेशन मोशन से है लेकिन इसका मन भी करता रहता है कि हमेशा चलता रहे. ठीक है, टच ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, देखिए स्पाइन टच हो रहा था तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी. ठीक है, आप भी अगर एक कोई स्पाइडर है उसको टच करने जाओगे तो क्या होगा, वो भाग जाएगा, मतलब टच से उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है,
आराम इसको कैसे मिलेगा? ओपन एयर में आराम मिलेगा, म्यूजिक से आराम मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें जो नर्व्स की टर्मिनाई है, ठीक है, टर्मिनल्स वो होती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्सट्रीम टिप्स ऑफ फिंगर्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है वहां पे क्या है, एंडिंग्स है नर्व्स की, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट टैरेंटुला। टैरेंटुला का एग्जामिनेशन में नर्वस सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है। टैरेंटुला एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है और इसका नर्वस सिस्टम कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग टैरेंटुला फॉर एग्जामिनेशन, प्लीज प्रिपेयर इट्स नर्वस सिस्टम। सो दिस इज इट अबाउट टैरेंटुला। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।